बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अमीन आपका दोस्त और मैं नॉर्वे में रहता हूँ, नॉर्वे के सबसे बड़े शहर ओस्लो में। ये आप मेरे पीछे एक सड़क देख रहे हैं और आपको इस साइड भी दिखाता हूँ, यहाँ भी सड़क है और इधर आपको घोड़े बंधे हुए नज़र आ रहे हैं। ये घोड़ों के रहने की जगह पीछे नज़र आ रही, रेड टाइप की घोड़ों का अस्तबल है। और ये इस साइड पे आपको मेरी बैक साइड पे जंगलात नज़र आ रहे हैं जी। अच्छा, अब क्या है हकीकत, क्या है अफसाना, आज मैं आपको ये जंगल दिखाऊंगा जो मेरे घर से तकरीबन 5 मिनट दूर है। इस जंगल के अंदर रेस्टोरेंट भी हैं, इस जंगल के अंदर ट्रेनिंग सेंटर भी है और इस जंगल के अंदर आपको हिरण भी मिलेंगे और सांप भी। अगर आप ये जंगल देखना चाह रहे हैं तो मेरे साथ रहिए और आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ मैं जानता हूँ इस जंगल के बारे में, आपको सब बताऊँगा। एक सेकंड ज़रा फिर आप नज़ारा करें आगे। ये नॉर्वे दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर सबसे पहले ऐलान किया गया कि यहाँ पर अब जंगलात को नहीं काटा जाएगा। अब मैं जंगल के अंदर जाने लगा हूँ तो आप मेरे साथ साथ हैं। इस जंगल में लोग ट्रेनिंग करने भी आते हैं। ये लेडी निकल जाए, ये भाई जंगल का रास्ता है, आप देख रहे होंगे। ये मेन रोड है, आपको गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं आती जाती हुई, और ये मैं हूँ। चल अब जंगल में चलते हैं। ये जंगल स्टार्ट हो गया है और आपको काफ़ी कुछ बताऊंगा इस जंगल के बारे में जो जो मुझे पता है, आप मेरे साथ रहिए बस जी। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे साथ जंगल में घूम रहे हैं, नॉर्वे के सबसे खूबसूरत जंगल, बल्कि मैं कहूँगा ये दुनिया में सबसे खूबसूरत जानवर, ये इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये लिखा हुआ है 1,70,000, यानी कि मेरे ख्याल में 17 किलोमीटर पर है ये, और यहाँ से भी जंगल का रास्ता है। और एक बात आप सबको बता दूँ कि इस जंगल में मुझे नहीं पता कितने रास्ते हैं, हालांकि मैं इस जंगल में पिछले 4 साल से आता हूँ, जब से इस इलाके में आया हूँ। ये भी एक इंफॉर्मेशन मोड है, देख रहे हैं आप लोग, इसमें सब टोटल इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसा कि आपने अभी इंफॉर्मेशन बोर्ड देखा, यहाँ पर सब चीज़ें, एक ये भी एक रास्ता है जंगल को जाता है। इस जंगल के में बहुत से रास्ते हैं, मैं अकाउंट नहीं कर सकता, यानी कि मैं खुद 5 साल से इस जंगल में आता जाता हूँ और इधर ही मैं ट्रेनिंग करता हूँ। और आपको भी अपना ट्रेनिंग सेंटर पे दिखाऊंगा जो कि फ्री है, दिलचस्प है। आगे देखिए, आज मेरे साथ दुनिया के सबसे खूबसूरत जंगल में और दुनिया के नॉर्वे के सबसे बड़े शहर में मेरे साथ हैं आप लोग, और मेरे साथ रहिए प्लीज़ जी। दोस्तों, इस जंगल में बहुत से लोग ट्रेनिंग करने आते हैं, ज़्यादातर लोग। ये आप ये एक बेंच देख रहे हैं बैठने के लिए बनाया हुआ जंगल में, यहाँ पर हर 50 मीटर बाद या 100 मीटर बाद आपको एक बेंच मिलेगा जहाँ पर आप बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं। इस ऐसे ही नहीं कह रहा भाई, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल है और आप लोग लकी है मेरे साथ अभी ये देख रहे हैं जी। दोस्तों, अब ये बेंच आ गया, थोड़ी देर मैं स्टे करूँगा क्योंकि इन्होंने हमारी सहूलत के लिए बनाया हुआ, कि रास्ते इधर भी जा रहा है। मैं इधर बैठ गया हूँ, थोड़ा सही करूँ, थक गया हूँ। अभी जो वीडियो आप देख रहे होंगे 3 या 4 मिनट की होगी, आपको लग रहा होगा यार अभी से थक गया बंदा, भाई मुझे कम से कम चलते हुए ना 35-40 मिनट हो गए, तो रेस्ट कर करके मज़े कर करके दिखाऊंगा आपको सारे नज़ारे, तो आप भी मज़ा करेंगे, मुझे ही मज़ा आएगा जी। दोस्तों, बैठा हुआ था, ये पहाड़ तोड़ के इन्होंने रास्ते बनाए हुए जंगल के अंदर, बड़ी मेहनत से, ये देखे ना, सिर्फ आवाम के लिए कि आवाम को किसी भी सूरत में फ़ायदा दिया जाए। अभी आपको मैं दिखाऊँगा कि जंगल में मंगल कैसे लगा हुआ है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था क्या है हकीकत और क्या है अफसाना। ये सब जंगल, ये सब पहाड़ तोड़ के रास्ते स्पेशल बनाए हुए ताकि लोग तफरी करें, तफरी के ज़्यादा से ज़्यादा मुकामात यहाँ बनाए जाए। ये मैं टॉप पर पहुँच गया हूँ,
ये इस पार्क का नाम है लियाक्टिवेट पार्क, लिया स्टोवा भी कहते हैं नॉर्वेजियन लैंग्वेज में इसको। ये आपको एक शील्ड सी नज़र आ रही होगी ब्लू कलर की, ये लिखा हुआ है लिया स्टोवा ओपन, यानी क्या यहाँ पर रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है। ये इधर भी बेंच देख रहे हैं आप लोग, और कुछ लोग फैमिली के साथ बच्चों के साथ आए हुए हैं यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, और कुछ लोग ग्रिल कर रहे हैं यहाँ पर, वो देख रहे होंगे आप लोग ग्रिल कर रहे हैं। ये वो जंगल में मंगल लगा हुआ है, ये नज़ारे सिर्फ आपको दुनिया में सिर्फ कहीं नहीं मिलेंगे, एक मुल्क में मिलेंगे, उसका नाम है अभी भी कम टू नॉर्वे, उसका नाम है नॉर्वे। अब आपको और भी बहुत सी चीज़ें दिखानी है जो अभी तक मैंने दिखाई नहीं है। मेरे साथ रहिए और मज़े करते रहिए। एक घंटा हो गया चलते हुए, मैं टेंशन नहीं लेनी, मैं 6 घंटे भी चल सकता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं ट्रेनिंग करने वाला इंसान हूँ शुरू से। ये अब अपने ट्रेनिंग सेंटर पे पहुँचने वाला हूँ, मैं आपको ट्रेनिंग सेंटर दिखाता हूँ अपना, मेरा कहाँ से आइए। ये इन जंगल के लिए इन लोगों ने मुफ्त बनाया हुआ है, पहले यहाँ से कोशिश करता हूँ दिखाने का, फिर ऊपर से टॉप पर जाके आपको पूरा इसका एक व्यू दिखाऊंगा मैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये सारा मेलवर ट्रेनिंग सेंटर है, जब कोविड का दौर था यहाँ पर बहुत रश होता था, अब भी होता है। ये देख रहे जंगल का रास्ता, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, सूरज की रोशनी भी है, ऊपर से लाता हूँ जी। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, एक बच्चा यहाँ पर लेट के ट्रेनिंग कर रहा है, यहाँ पर आप पुशअप वगैरह पेट की ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये साइकिल लेके ग्राउंड में आया हुआ है, ये लटकने के लिए इन्होंने ये बनाया है, और ये इस पार्क का नाम है लिया ट्रेनिंग पार्क, जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सूरज बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ये बेंच प्रेस, यानी कि आप बेंच प्रेस की ट्रेनिंग कर सकते हैं यहाँ पर, इधर भी, और ये भी मुख्तलिफ ट्रेनिंग जो आप कर सकते हैं, नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। चलें अब आपको आगे दिखाते हैं क्या है हकीकत और क्या है अफसाना, ठीक है जी। दोस्तों ये जंगल में मंगल आपको दिखाने वाला हूँ, कैसे लगाया हुआ इन लोगों ने, गोरों ने, ये गोरों का काम ही भाई, आगे भी जंगल पीछे भी सारा जंगल, और आपका दोस्त नवीद अमीन और आपको कंटिन्यू इंजॉय करवा रहा है। ये स्टोर टाइप का इनका, क्योंकि मैं इधर बहुत आता हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन है इधर की ना सारी। ये यहाँ पर टॉयलेट बनाए हैं, ये टॉयलेट है यहाँ पर जंगल में, ग्रेंटेड कहता हूँ आपने दुनिया में ऐसे टॉयलेट नहीं देखे होंगे, क्लीन अप और कमाल। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक रेस्टोरेंट है, जो आपको फ्रंट से दिखाता हूँ, ये कुछ लोग बैठे हैं, ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर अभी मैं बैठ के चाय पीऊँगा, चाय नहीं कॉफ़ी पीऊँगा और आपसे बातें करूँगा। ये वो टॉप है, टॉप की जगह है जहाँ पर अभी आपको लेके जाऊँगा और उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा ये कितनी ऊंचाई पर है। ये 360 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाना है, जो आपने मेरे साथ चलनी है अभी, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे साथ कॉफ़ी पिए और रेस्टोरेंट देखे अंदर से, और आपको ये रेस्टोरेंट है यहाँ का, और ये फार्म हाउस है ये देख रहे हैं आप लोग, और यहाँ पर आप ग्रिल कर सकते हैं। ये एक ग्रिल का नहीं बना हुआ, इधर मुख्तलिफ पॉइंट पर काफ़ी बनाए गए, और ये यहाँ पर कचरा फेंकने के लिए भी जगह बनाई हुई है जंगल में। अंदाज़ा कर लें, स्टैंडर्ड कर लें, कितना क्या स्टैंडर्ड है नॉर्वे का। ये इन्होंने जंगल में कचरा फेंकने के लिए भी वो बॉक्स बनाए हैं। ये प्लेस है लिया स्टोवा, और यहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कोई आप की कोई चीज़ आप कोई नया आइडिया देना चाहें, इसलिए बोर्ड बनाया हुआ। ये वो नेपाली लोग हैं जिन्होंने 360 सीढ़ियाँ सन 2018 में बनाई थी, और अभी वो आप मेरे साथ चलेंगे ऊपर, जो नज़ारा एक अपना मंजर दिखाएगा, मैं हूँ ठीक है ना। चले अब रेस्टोरेंट में चलते हैं, देखते हैं।
ये नॉर्वेजियन फ्लैग है। जब मैं रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा हूँ, ये बाहर भी उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा एक बैठने का इंतज़ाम है। ये सब बेंचेस बनाए हुए रेस्टोरेंट के लिए कि आप बैठे हैं, और अच्छे मौसम में लोग बैठते भी हैं। अभी आज लोग कम हैं, अभी थोड़ी देर में ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह। अब चले अंदर चलते हैं। ये मैं रेस्टोरेंट के अंदर आ गया हूँ, काफ़ी लोग बैठे हैं। ये मेरा रेस्टोरेंट है, आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं। ये मैं हूँ, रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत है। हेलो, यू हैव अ कॉफी? कॉफी? यस, आई वांट वन कॉफी। वाफल? या नॉट वाफल, जस्ट वन कॉफी। ओके। या अ वेरी गुड रेस्टोरेंट। या वेरी गुड रेस्टोरेंट। वो लेंगे आर दे देयर बी एन देन रेस्टोरेंट? या ओपन फ्रॉम 11 टू 4 मतलब वो लेंगे नॉर देयर स्टार्ट है थी और सीजन शू योर सीजन है। या देयर हिट है 70 और गमल 70 और गांबिल। या चुनता जी, ये मैंने से पूछा कि रेस्टोरेंट कितना पुराना है, बता रहा है 70 साल पुराना है। हेलो चिल हाय हाय, कॉफी ले लिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वो यहाँ से भी दिखाता हूँ खिड़की से आपको बाहर का नज़ारा, जो भी आप मेरे साथ ऊपर घूमने जाएंगे। चलें बाहर बैठते हैं चल के और आपसे बातें करेंगे। ये 70 साल पुराना रेस्टोरेंट, जो मैंने से पता किया अभी जो बंदा जॉब कर रहा था अंदर। कॉफ़ी कौन कौन पिएगा मेरे साथ? ये लो यार साहब, आपके दोस्तों के लिए हर चीज़ है भाई। ये स्टाइल है भाई का, काफ़ी अच्छा इंसान था जो अंदर जॉब कर रहा था। ये आपको जो रास्ता नज़र आ रहा है ना, ये अभी आप लोगों ने मेरे साथ चलना है पूरे 360 सीढ़ियाँ, लेकिन मैं रुक रुक के जाऊँगा क्योंकि आप लोगों को बताता रहूँगा। ये मैं अभी 100 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं या 200 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। ये एक बात आपको माननी पड़ेगी, जंगल में मंगल है। आपने रेस्टोरेंट भी देखा और गेस्ट हाउस भी देखा। इस जंगल में हिरन भी है और सांप भी होते हैं। हो सकता है कोई हिरन नज़र आया अगर बहुत अच्छी गुड लक हो तो। ये लोग बैठे हैं सब मेरी तरह इंजॉय कर रहे हैं, और आपको फार्म हाउस दिखाता हूँ सामने से। ये फार्म हाउस है, साथ में इस बंदे की गाड़ी खड़ी हुई है। हाँ, और ये रेस्टोरेंट है, ये फैमिली बैठी हुई है। ये मैं हूँ। ओह माय गॉड, लवली कॉफी। अच्छा तो अब मेरे साथ रहे आप लोग, जंगल में मंगल लगा हुआ है, और आपको ऊपर लेके जाता हूँ कॉफ़ी पी के, फिर आप ऊपर के बारे में बताऊंगा, और ऊपर से आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। पूरा एक हॉस्टल नज़र आएगा, उस सिटी पूरा तकरीबन, यानी कि जहाँ तक नज़र जाएगी काफ़ी ऊपर से आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ रहें एवरीवन, थैंक यू। मेरी कॉफ़ी पीते पीते आपने देखा काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हो गए, तो क्योंकि मैं ज़रा जल्दी आ गया था, मैंने सोचा था दूसरी साइड से भी आपको अपना ट्रेनिंग सेंटर दिखाऊँ। ये वो लोग हैं कार लेके हैं जो यहाँ पर जंगल की केयर करते हैं, या तो साथ में जो गेस्ट हाउस है यहाँ कोई रुका होगा। इसके अलावा किसी को यहाँ पर कार लेके आने की इजाज़त नहीं है। ये नीचे से जंगल का व्यू दिखा रहा हूँ आपको, जो भी आपको मैंने ऊपर से दिखाया पहले नीचे से दिखाया था। और जंगल में मंगल लगा हुआ है। ये बैक हाउस, बैक साइड है गेस्ट हाउस की। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल कहता हूँ, जहाँ पर हर चीज़ आपको मिल रही है। रेस्टोरेंट भी हैं और लोग यहाँ पर चिल कर रहे हैं। ये सामने भी जो आपको नज़र आ रहा है, ये भी एक रेस्ट प्लेस है, यानी कि आप थक जाएं जंगल में कहीं भी तो यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं इस जगह पर। वो राइट साइड पर मेरे लोग ग्रिल कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ क्या ग्रिल कर रहे हैं करीब से जाके। ये गोरा बैठा हुआ अपनी फैमिली के साथ आया हुआ है, वो काफ़ी इंजॉय कर रहा है। इसे कहते हैं जंगल में मंगल। ये इतना आसान नहीं है, ये सिर्फ नॉर्वे में ही है और कहीं नहीं है ये चीज़ें। और ना कोई खौफ है, ना कोई टेंशन है, और बिल्कुल पुरसकून दुनिया यहाँ की। हर चीज़ की एक आज़ादी है और हर शख्स मज़े कर रहा है। और इस नज़ारे के बाद फिर मैं ऊपर लेके जाऊँगा आपको,
जंगल की तरफ, जंगल नहीं जो 360 सीढ़ियाँ चढ़नी है ऊपर, और आप मेरे साथ ही रहिए दोस्तों। बाय 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 बाय। ये लोग जंगल में साइकिल लेकर आए हैं, तो साइकिल कार वगैरह नहीं आती, ये तो कार खड़ी हुई है। वो उसकी जो बंदा इधर फार्म हाउस पे आया हुआ, कॉफी खत्म हो गई भाई, अब इस डब्बे को फेंकना कचरे में। ये दुनिया का वाइब मुल्क है भाई, जिन्होंने जंगल में भी कचरे के डब्बे बना दिए हैं, और क्या इससे बड़ी क्या क्वालिटी होगी यार, मुझे खुद बताओ। ये देखो अब ये स्टार्ट हो गया है, ये नेपालियों का कारनामा है जिन्होंने ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। पत्थर को उठा के लेके नहीं गए, लेकिन हेलीकॉप्टर के जरिए इन पत्थरों को लेके गए, लेकिन पहुँचाया गया। देख रहे कितने बड़े बड़े स्टेप हैं इनके। मैं 360 सीढ़ियाँ तो पूरी वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि आप लोग भी बोर हो बोलेंगे यार क्या पी रहा है हमें ये। लेकिन मैं आपको वैसे ज़रूर क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँ। दो लोग मुझसे आगे भी हैं, एक औरत मुझसे पीछे, आपने देखी कैमरा काफ़ी हिल रहा है। मेरी स्टार्ट हो गई भी सीढ़ियाँ, मेरी चलने की स्पीड तेज़ है, उम्मीद है मैं इन लोगों को क्रॉस कर जाऊँगा। क्रॉस क्या करना, उन्होंने वैसे ही रास्ता छोड़ दिया, पीछे कोई आ रहा है। एक्सक्यूज मी, इशारा दिया उनको मैंने, लेकिन सीढ़ी बहुत छोटी है। थैंक यू। इनको पीछे कर दिया भाई मैंने। मैंने कहा था मेरी स्पीड तेज है, आप लोग भी ट्रेनिंग किया करो भाई, याद रखो जान है तो जान है। वो सांस चढ़ रहा है भाई, काफी लोग ऊपर से आ रहे हैं। ये एक स्टॉप हो गया भाई, अब मैं ऊपर जाऊंगा। ये यहाँ पर भी उन्होंने बैठने का बेंच वगैरह बनाया है, ये ऊपर चढ़ रहा हूँ, दूसरे स्टॉप पे मुलाकात होती है। गोरी कुत्ता लेके आई भी भाई साथ में। ये दूसरा स्टॉप है, पहला स्टॉप वो था नज़र आ रहा है आपको, और वो दूर रेस्टोरेंट जहाँ पर अभी बैठ के कॉफ़ी पी रहा था। चलो भाई चलो और चलो ऊपर। ये देख रहे हैं आप लोग कितने बड़े बड़े स्टेप बनाए हैं इन लोगों ने, पहाड़ों को काट के पत्थर बनाया हुआ बड़ा बड़ा। यार बड़े कौन दे रहे, मैंने इनसे पूछा कि आपकी वीडियो बना लूँ, कह रहे बना लो। यस या थैंक यू थैंक यू थैंक यू या ओके या वेरी थैंक यू वेरी मच। बड़े अच्छे घोड़े थे यार ये तो। नॉर्वेजियन लोग हैं बड़े अच्छे, हंसमुख मजाज होते हैं। सांस आसान नहीं है भाई। ये दरख्तों की जड़ें, ये सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं 360, अब मैं टॉप पर जा रहा हूँ और आप लोग मेरे साथ हैं। वो जंगल में मंगल लगा हुआ है और नवीद अमीर का सांस फूला हुआ है। ये मैं टॉप पर पहुँचने लगा हूँ, मुझसे पहले भी 3 लोग चढ़े हुए। इनकी हिम्मत है भाई, उम्र देखो इनकी। अभी ऊपर पहुँच गया, ये ऊपर बैठने का उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पर भी ग्रिल सिस्टम है कि आप ग्रिल वगैरह बना सकते हैं, और यहाँ से आप पूरा बहुत बड़ा नज़ारा कर रहे हैं आप लोग। ये दूरबीन की सहूलत भी दी हुई उन लोगों ने कि दूरबीन से भी नज़ारा दे सकते हैं। और ये देख रहे हैं कोई पैसा नहीं देने, कुछ नहीं, मुफ्त है।
पूरी 360 सीढ़ियाँ भाई एक साथ में चढ़ाऊँ। बस वो चंद सेकंड के लिए रुकाऊँ आपको, वो ये नज़ारा यहाँ सीढ़ियाँ बताऊँ कितना ऊपर आ गया हूँ। वो मेरे साथ रहे पर देख रहे सांस पड़ा चढ़ रहा है। जंगल में मंगल देखा कि नहीं देखा, ईमानदारी से बताओ, देखा सबने? मुझे पता सबने देखा है। वेट करो थोड़ा, कुछ और भी दिखाना है अभी तो। ये इन्होंने टॉप के ऊपर एक जगह बनाई हुई बैठने के लिए, ये देख रहे हैं आप लोग। एक चीज़ आप तो मानोगे, इन्होंने जंगल में मंगल लगाया हुआ, इधर कैमरा, इधर बैठने की जगह, स्टूल, बेंच, और ग्रिल कर सकते हैं आप, रेस्टोरेंट खा भी सकते हैं चाय कॉफ़ी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पर, और गेस्ट हाउस भी हैं, और इसके अलावा हिरन है जो मैंने काफ़ी दफ़ा देखे हैं, इत्तेफाक है आज आप लोगों के साथ नहीं देख पाया। और ये कुछ और लोग भी आ रहे हैं ऊपर से, ये दो अंडियाँ हैं। चले भाई अब नीचे चलते हैं और आपको वापस ले चलो, एक दफा भी नज़ारा देखना है आगे से। ये पूरा उस नज़र आ रहा है कैपिटल, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, आप देख रहे हैं। चाचा कह रहे हैं मेरी फोटो खींच दो और रख लो। ये पीछे वो एक रेस्ट प्लेस बनाया हुआ बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए। और अब मैं नीचे की तरफ हूँ, अब नीचे की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो आप मेरे साथ रहिए। अब ये पहले टॉप पर था, अब नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं। तो सीढ़ियों का स्टेप देखें आप, चार चार फुट का स्टेप है, लोग आ रहे हैं नीचे से और मैं जा रहा हूँ। पूरा व्यू मिल रहा है यहाँ से नीचे का, जो लोग पढ़ रहे हैं क्या चक्कर है क्या कहानी है। जी दोस्तों, अब तकरीबन 4-5 मिनट तक मैं नीचे पहुँच जाऊँगा। वो मेरा रेस्टोरेंट है, मेरा नहीं सबका है। जी दोस्तों, अब वीडियो बंद करूँगा, तो पीछे पहुँच जाऊँगा नीचे कम से कम 3 या 4 मिनट में। और आखिर में एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ मैं हर बार, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर आपने देखा कि मैंने कोई नई चीज़ दिखाई है, कोई नई इन्फॉर्मेशन दी है, तो सब लोग मेरी दोस्त जितने भी हैं मेरी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। और मेरे साथ नीचे चलें। जी दोस्तों, फिर मैं आखिरी सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ नीचे, फिर सामने रेस्टोरेंट, फिर आपसे अलविदा चाहूँगा दोस्तों से। ये छोटा सा एक तालाब भी यहाँ पर, जो स्टार्ट में दिखाना भूल गया आप लोगों को, ये ऐसे ही रहता है सालों साल। जी दोस्तों, ये पानी का तालाब देख रहे हैं आप लोग मेरे पीछे, और सबसे अहम चीज़ तो आपको मैं बताने भूल गया, ये देखें पसीना। एक चीज़ बता दूं, दुनिया की हर चीज़ है आपके पास, अगर सेहत नहीं है ना हर फार्मूला बेकार। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।